हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ओटीईटी एडमिट कार्ड 2024 की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने उड़ीसा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 के एडमिट कार्ड रिलीज कर दिए हैं। कैसे, कब और कहाँ से आप अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो गाइस, बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट indsarkarinaukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहां पर आपको इस एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन BSE उड़ीसा ने कुछ दिनों पहले उड़ीसा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट OTET 2024 के लिए कैंडिडेट से एप्लीकेशन फॉर्म इनवाइट किए थे। सिलेक्शन आपका उड़ीसा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर फर्स्ट और सेकंड की परफॉर्मेंस के आधार पर होगा। डेट की अगर बात करें तो इस पेपर के लिए कैंडिडेट से एप्लीकेशन फॉर्म 24 जून 2024 से 5 जुलाई 2024 के बीच में एक्सेप्ट किए गए थे। एग्जाम आपका 17 अगस्त 2024 को कंडक्ट होने जा रहा है और आप अपने एडमिट कार्ड 12 अगस्त 2024 यानी कि आज ही से डाउनलोड करके एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हो। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। इम्पोर्टेंट लिंक सेक्शन में आकर OTET एडमिट कार्ड आपको इस लिंक पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहां पर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन उड़ीसा का ये ऑफिशियल पोर्टल खुलेगा, या फिर गाइड आप डायरेक्टली अपने इंटरनेट ब्राउजर के एड्रेस बार पर टाइप करें bscodisha.ac.in और आपके सामने ये ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर गाइज आपको ये जो मार्क्यू चल रही है, यहाँ पर आज किसी भी टाइम आपको आपके एडमिट कार्ड का लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा। आपको उस लिंक पर क्लिक करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना होगा, या फिर आपको टेंडर्स एंड नोटिफिकेशन के सेक्शन में आपके एडमिट कार्ड का लिंक आज किसी भी टाइम यहाँ पर एक्टिव कर दिया जाएगा। आपको इन दो सेक्शंस में से एडमिट कार्ड के लिंक पर क्लिक करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना होगा। जैसे ही आप एडमिट कार्ड के लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। गाइस, यहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करके अपने अकाउंट में लॉगिन कर लेना है और फिर वहां से आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है। या फिर गाइस आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहां पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, अपनी ईमेल आईडी आपको एंटर करनी है और अपने अकाउंट में लॉगिन करके वहां से आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है। आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होने के बाद कुछ इस तरह से शो होगा। इसमें आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएगी, जैसे कि क्या आपका रिपोर्टिंग टाइम है, कब से कब तक आपका एग्जाम कंडक्ट होगा, किस डेट को किस वैल्यू पर आपका एग्जाम कंडक्ट होगा, किन किन चीज़ों को आप एग्जाम में कैरी कर सकते हो और किन किन चीज़ों को आप एग्जाम में कैरी नहीं कर सकते हो, सभी जनरल इंस्ट्रक्शंस और डिटेल्स आपको आपके एग्जाम से रिलेटेड आपके एडमिट कार्ड में प्रोवाइड कर दी जाएगी। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली रीड करनी है। उसके बाद आपको अपने एडमिट कार्ड का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है और उसके साथ आपको एग्जाम में पार्टिसिपेट करना है। गाइज, आपको अपने एडमिट कार्ड के हार्ड कॉपी प्रिंट आउट के साथ साथ अपने साथ एग्जामिनेशन सेंटर पर एक वैलिड फोटो पहचान पत्र भी लेकर जाना होगा, जैसे कि कोई आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस। इन दो डॉक्यूमेंट के साथ आपको एग्जाम में पार्टिसिपेट करना है। बिना इनके एग्जामिनर आपको एग्जाम में बैठने के लिए अलाउ नहीं करेगा। तो दोस्तों, ऐसे आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही एग्जाम डेट एंड एडमिट कार्ड नोटिस PDF का लिंक भी दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑफिशियल नोटिस ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। आपका उड़ीसा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो एग्जाम है वो यहाँ पर 17 अगस्त 2024 को कंडक्ट होने जा रहा है और आप अपने एडमिट कार्ड 12 अगस्त 2024 से डाउनलोड करके एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो दोस्तों, ऐसे आप अपने उड़ीसा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 के एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।